रेड गियर, कॉस्मो, नोवा, एक और सस्ता हेडफोन, एंड सस्ते के साथ साथ इस बार भैया थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है। तो बॉक्स को फटाफट खोल लिया जाए तो ज़्यादा कुछ तो देखो देखने को मिलता नहीं है, वही जो पुरानी चीज़ें जो हर हेडफोन में कॉमन रहता है, हेडफोन और कुछ पुस्तकें। बाकी देखो हेडफोन के अंदर कुछ ना है वही ठीक है, क्या बताओगे तुम मुझे इसके बारे में, मुझे सब पता है, प्लग एंड प्ले। बात करते हैं इसके आउटर्स के बारे में। आउटर्स वही जैसे हमने रेड गियर का एक और सस्ता थोड़ा एक अच्छा रेड गियर क्लॉक को रिव्यू किया था, वैसे का वैसा ही है। बस इसके अंदर आपको वही 50mm के ड्राइवर्स, साथ ब्रीदिंग RGB इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो जितने क्विक आपको अनबॉक्सिंग लगी उतनी क्विक इसकी स्पेसिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, बट आपको इसके अंदर 50mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, RGB है तो आप गेमिंग कंसीडर कर सकते हो। इसका माइक टेस्ट आगे करेंगे। बाकी आउटर लुक में आपको ऊपर की तरफ वही प्लास्टिक का एंड रबर का शायद तक इसमें फील आ रहा है, तो उस टाइप का, एंड नीचे की तरफ ये वही फ्लेक्सीबिलिटी तो एडजस्टर मिल जाता है जिससे आपका जो ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादा दर्द नहीं होगा, एंड ओवर द ईयर कुशंस है तो लाइक ज़्यादा टाइम तक इसको पहन के रख सकते हो, कंफर्टेबल फील करवाएगा आपको, एंड एडजस्टेबल भी रहेगा हेड के हिसाब से, कानों के हिसाब से। मेरे तो जैसे अगर मैं इसको अभी टेस्ट करूं तो ऑल्दो एडजस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कान पूरे अंदर चले जाते हैं, वही है बाहर की थोड़ी एम्बिएंट साउंड थोड़ी सी कम सुनाई देती है, एंड जो मैं बोल रहा हूँ वो भी अलग ही स्टाइल में सुनाई देता है। कुछ ₹1000 के रेंज में इसको मैं जज कर रहा हूँ, 1000 to 950 में पड़ता है, उतने में मैंने लिया है, तो उस हिसाब से आप इसको जज करना ऑल द वीडियो। एंड बाकी इसके बाजू के साइड में है ना रेड गियर की दोनों साइड ब्रांडिंग, एंड 7 कलर्स ब्रीदिंग RGB मिल जाती है जो कि इसको परफेक्ट लुक देती है, एंड ये जो लाइंस है वो भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब ग्लास का फिनिश है बट लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। लगे आज इसकी माइक की क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं, एंड बाकी इसके इधर एक रोलर दिया हुआ है जिससे आप इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, बाकी पूरे हेडफोन पर कोई भी बटन्स नहीं है। साउंड तो डिसेंट सी है, मतलब ₹900 में जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, या मैं आपको बताऊं मिड टोन्स थोड़े से लो लगे मुझे इसके, एंड वही है थोड़ा सा बेस बूस्ट कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, बट आप उसको लो वॉल्यूम में अच्छा खासा हेडफोन बना सकते हो यूज़ करने के हिसाब से, एंड बाकी ₹900 में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो देखो उस हिसाब से तो देखो सही चीज़ बनाई है, RGB मिल गई है, साउंड क्वालिटी बेटर है। लगे हाथ माइक पे भी टेस्ट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई वर्थ इट है या नहीं है, मतलब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये इसका माइक का टेस्ट है, एंड 2 नंबर का पंखा चल रहा है, एंड वही है इसके अंदर भी वही एडिटिंग अप्लाई करूंगा, कंप्रेशन, नॉइस रिडक्शन, एंड बताओ कैसा लग रहा है। मैं वैसे सुना नहीं अभी तक क्योंकि अभी न्यूली इसको अनपैक किया है, एंड लगे जाते इसकी वायर क्वालिटी के बारे में मैंने नहीं बताया, वायर क्वालिटी इसकी आपको अपोजिट तो PVC वायर मिल जाती है, एंड वही प्लास्टिक की वायर बोलो, PVC तो कुछ थोड़ा अबव लेवल हो गया, बट PVC नहीं मिलती है, अंदर की तरफ शायद कुछ ग्रेडेड का हिसाब है बट बाहर की तरफ से पूरा प्लास्टिक कवर है। हाँ तो फिर बताओ आपको इसका माइक कैसा लगा, बाकी 2 इफेक्ट्स ही ऐड करूंगा, एंड हो सके तो थोड़ी ऑडियो में इफेक्ट्स रहने दूंगा, तो पता मेंशन कर दूंगा वाइल एडिटिंग कि ये बिना विदाउट इफेक्ट है और ये इफेक्ट के साथ, थोड़ा डिफरेंस समझने में आसानी होगी। बाकी बताओ माइक क्वालिटी कैसी है ₹900 के हिसाब से। ओके तो देखो कुछ ऐसा सा हिसाब किताब था कॉस्मो नोवा का, एंड बजट फ्रेंडली हेडफोन है, ₹900 के हिसाब से मेरे बार मेरी मेरा फाइनल कंक्लूजन आपको दूं तो ₹900 के हिसाब से देखो कुछ बुरा नहीं है यार, मतलब RGB मिल रही है, वायर क्वालिटी मिल रही है। अब देखो लैपटॉप में तो ये फिट होगा नहीं क्योंकि अगर आपको माइक यूज़ करना है तो आपको अलग लगाना पड़ेगा, एंड हेडफोन यूज़ करना है तो आपको अलग लगाना पड़ेगा, एंड RGB के लिए ऑल द पोर्ट्स होते हैं, पर जिस लैपटॉप में पोर्ट्स नहीं है उनका क्या, अब अपना तो चलो सेटअप है अपने पास 15 टाइप ऑफ अलग अलग अपन पोर्ट्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बट नॉर्मल यूज़र्स के लिए, अब चलो गेमिंग है तो नॉर्मल तो लेने वाले हैं नहीं, तो रिकमेंडेड है ले सकते हो अगर किसी का बजट ₹900 का हो अंडर एक गेमिंग हेडफोन लेना है तो क्लॉक एंड ये दोनों रिकमेंडेड है। अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए एज इट्स इन ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब तो उस हिसाब से आप कमेंट डाउन नीचे कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ एंड बाय।